हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता और आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीता में। आज का आपका टॉपिक रहेगा कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेट टू। इससे पहले हम सेट वन कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिएगा। उसमें मैंने फंडामेंटल से स्टार्ट किया था, यानी कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको स्टार्ट किया था। कुछ एमसीक्यूज थे उसमें, 20 MCQs थे और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ एक थ्योरी का सेक्शन भी करवाया था। तो आई होप आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिएगा। यानी जो मैं आपको ये सेट करवा रही हूँ कंप्यूटर एग्जाम की, जितने भी आपका एग्जाम IBPS का होता है, आपका HSSC का होता है, SSC होता है, कोई भी आपका एग्जाम हो, अगर आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का जो एग्जाम का लेवल हो काफी हाई हो चुका है, हाई अप हो चुका है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक दो तो पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर किसी में स्पेशल सब्जेक्ट अगर उसमें एंट्री कर रखी है तो आपको पता ही है 10 क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, जो स्पेशल अगर एंटर कर रखा है। अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए कंप्यूटर ये सब जानना। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक जो क्वेश्चन आपके अब तक पूछे गए हैं और इन फ्यूचर जो आ सकते हैं एग्जाम से, वो सारे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। साथ के साथ मैं आपको थ्योरी का कंसेप्ट भी करवाऊंगी, लाइक आपको MCQs भी करवाए जाएंगे और साथ ही साथ थ्योरी का कंसेप्ट भी करवाया जाएगा। तो आज हम थ्योरी करेंगे नेटवर्किंग के बारे में, हम पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत बार पहले आ चुके हैं। तो पहले हम थ्योरी करेंगे और आने वाले वीडियो में नेटवर्किंग के MCQ करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप ये देखिएगा। ये आपने फर्स्ट सेट में मुझे कहा था कि आप ये हिंदी में भी वीडियो डालो, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी सीखते हैं, मैं बेसिक आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। आपने देखा होगा कंप्यूटर प्योरली इंग्लिश में होता है, उसमें कोई हिंदी में नहीं होता, तो जो कंप्यूटर होता है मेनली इंग्लिश में ही होता है। तो मैं आपको एक जो क्वेश्चन है इंग्लिश में तो रिटर्न में आपके सामने है, बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि ये मैं हिंदी में भी टाइप करूं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि एज इट इज बिल्कुल प्योर हिंदी इन कंप्यूटर में वो तो मुझे भी नहीं आती है। अगर से आपको आर्किटेक्चर को आप अगर हिंदी में बताओ तो वो चीज़ आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी समझनी और मेरे लिए समझाने भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, इंग्लिश में मटेरियल आपके सामने है, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके अच्छे समझाऊंगी। अगर तब आपको समझ नहीं आता है तब आप मुझसे पूछ सकते हो, तब मैं आपको दोबारा उस वीडियो को, चाहे आप 3 बार कहोगे तो 3 बार समझाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न से पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बाइलिंगुअल करूंगी, इंग्लिश में आपका रिटन मटेरियल होगा और हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूंगी जितना मुझसे हो सकता है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। इसने कहा है जो बेसिक जो कंप्यूटर का जो ढांचा था ना वो किसने तैयार किया था, डेवलप यानी उस चीज को विकास किसने किया था, जो आपका बेसिक ढांचा जो था कंप्यूटर का वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा। ए इज जॉन वॉन न्यूमन, बी इज चार्ल्स बेबेज, सी इज जॉर्डन मुरे एंड डी इज ब्लेज पास्कल। अब आपको इस क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपको एक छोटे से ट्रिक बताती हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। चार जो ऑप्शन है आपके सामने है, जैसे मैं हूँ, मैंने ये क्वेश्चन आज ही देखा, मेरे को पता नहीं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है आपने तो पता होगा जो चार्ल्स बेबेज है फर्स्ट कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, इसके बाद जो ब्लेज पास्कल इसने पास्कल का निर्माण किया था, पंच कार्ड का निर्माण किया था सॉरी। तो अब बच गए दो, जॉन वॉन न्यूमन और ये है गॉर्डन मुरे। अब इन दोनों में हमारे पास 50-50 की कौन सा हो सकता है, तो इस तरीके से आप 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल रिजेक्ट ही कर सकते हो और दोनों क्वेश्चन में आप सोच सकते हो कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको फर्स्ट का आंसर बताती हूँ, फर्स्ट का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा जो कंप्यूटर का जो ढांचा है वो विकसित किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विद स्कैनर। अभी पूछा गया है इसमें ऐसी कौन सी, इन सब में से ऐसी कौन सी जो टर्म है जो रिलेटेड है किससे, स्कैनर से रिलेट करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्कैनर होता क्या है। स्कैनर वो होता है आपके, जो आपने देखा होगा आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो कहते हैं कि हाँ भाई आपकी 10th की मार्कशीट दे दो, उसको स्कैन करना है, ओरिजिनल मांगते हैं। तो वो किसके थ्रू करते हैं, वो स्कैनर के थ्रू करते हैं। स्कैनर एक ऐसी मशीन होती है जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करके सिस्टम के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर आपको शो करवाती है। यानी ईजी तरीके से आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल कुछ भी आप स्कैन कर सकते हो। अब बात आती है जो स्कैनर है वो आपका, दो बात आती है कि ये इनपुट है या फिर आउटपुट है। तो पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इनपुट होता क्या है, जिसके थ्रू हम कोई भी मैटर, कोई भी हमारे पास डेटा है वो हम एंटर कर सकते हैं किसके, मॉनिटर के अंदर।
और आउटपुट क्या होता है, जो डेटा मॉनिटर के अंदर होता है उसको हम बाहर प्रिंटर के थ्रू आउटपुट निकाल सकते हैं। तो बात है स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, स्कैन करना। तो स्कैन जब हम करेंगे किसी भी चीज़ का तो मॉनिटर के अंदर एंटर होगी ना, तो कोई भी चीज़ जब एंटर होती है तो वो आपका इनपुट होता है। तो ये बात तो यहाँ से हमें पता चल गई कि स्कैनर क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। अब ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने लेज़र है, सेकंड क्या आपके पास ट्रेन है, सी इज मीडिया एंड डी इज कार्ट्रेज। तो अब देखिएगा जो लेजर है ये क्या है, एक प्रिंट का एक पार्ट होता है। प्रिंटर जो है आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो उनमें से लेजर भी उन्हीं का एक प्रकार है। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ट्विन के बारे में लगा लो हमें पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। बात आती है मीडिया की, मीडिया आपको पता होगा, मीडिया में तो स्कैनर का कोई काम ही नहीं है, तो ऐसे ही आपको ऑप्शन दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। बात आती है कैटरेज की, कैटरेज भी एक प्रिंटर जो आउटपुट निकालने का होता है उसका एक वे होता है, तो ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आउटपुट तो हम निकाल ही नहीं रहे हैं, हम तो इनपुट कर रहे हैं। तो बचा क्या आपका ट्विन, तो जो स्कैनर है आपका वो ट्विन का ही एक प्रकार है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, इन एक्सेल ईच शीट इज अ वर्कबुक इज डिस्प्लेड एज। एक्सेल के अंदर जो आपकी हर एक शीट की वर्कबुक होती है वो किस तरीके से आपको प्रदर्शित होती है, ये इसने आपसे पूछा है। अब मैं आपको एक बात यहीं पे बता देती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी क्वेश्चन होंगे वो कंसेप्ट बेस्ड होंगे, यानी एमसीक्यूज के थ्रू हम कंसेप्ट अपना क्लियर करेंगे। बात आई है यहाँ पे एक्सेल की, तो बहुत छोटी से छोटी बात है मैं आपको समझाती हूँ। एक्सेल किसका पार्ट होता है, एक्सेल होता है आपका एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। एमएस ऑफिस के अंदर आपकी 10 एप्लीकेशन होती हैं, लाइक एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, ये पूछे जा चुके हैं, ध्यान से अगर आप सुन लोगे तो भी आपके लिए काफ़ी। देखिएगा 10 एप्लीकेशंस होती हैं एमएस ऑफिस के अंदर, 10 कौन कौन सी होती हैं मैं कुछ एक आपको बताती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस आउटलुक होता है, एमएस वन नोट होता है, ये आपके एप्लीकेशन होती है एमएस ऑफिस की। अब बात यहाँ आई एमएस एक्सेल की, तो जरा मैं आपको एक्सेल के बारे में भी बता देती हूँ। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल के अंदर हम जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होती हैं वो सारा डेटा हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। अब बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सटेंशन नेम होता क्या है। अब ये देखिएगा, आपका नाम कुछ भी है तो आपका, जैसे आपका नाम अमन है, घर पे आपका नाम कुछ और होगा, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका नाम कुछ और होगा, लेकिन क्या है, एक हमारा नेम होता है, एक हमारा निकनेम होता है। तो जो हमारा निकनेम होता है ना उसी को मैं एग्जाम्पल समझा रही, जो हमारा निकनेम होता है ना वो लगा लो आपका एक्सटेंशन नेम इसमें बोला जाता है। तो क्वेश्चन पिछली बार आ गया था कि एक्सेल का आप एक्सटेंशन नेम बताओ, तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है वो आप याद रखें, कोई भी आपका एक्सटेंशन नेम हो तो हमेशा वो डॉट से स्टार्ट होता है, पहले तो आपको डॉट लगा हुआ मिलेगा, फिर इसके आगे आता है डॉट एक्स एल एस, सॉरी डॉट एक्स एल एस और एक्स, ये होता है आपका एक्सेल का एक्सटेंशन नेम। ये बात आप याद रखेगा, एक्सटेंशन नेम हमेशा डॉट से स्टार्ट होता है और ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है। और एक बात तो याद रखिएगा, एक्सेल की जो एप्लीकेशन होते हैं वो हमेशा कैलकुलेशन के लिए वर्क आते हैं, जैसे आपने स्कूल्स में आपके रिजल्ट्स होते हैं वो सारे एक्सेल में क्रिएट होते हैं, कोई भी जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, जितने भी बिल होते हैं, आपकी सैलरी डिटेल्स होते हैं, वो सारे एक्सेल के अंदर क्रिएट होते हैं। अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसने पूछा है कि इन एक्सेल ईच शीट इज अ वर्कबुक इज डिस्प्लेड एज। एक्सेल के अंदर हर एक जो शीट होती है वर्कबुक की वो किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, तो ऑप्शन स्क्रीन पे आपके सामने है, ए इज टैब, बी इज डाउन पॉइंटिंग एरो, सी इज फ्लोटिंग पॉइंटिंग एरो एंड डी इज मार्कर। आपको बताना है ये, तो आप देखिएगा जो आपका डाउन पॉइंटिंग एरो और फ्लोटिंग पॉइंटिंग एरो है, पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे, तो इसने पूछा है वर्कबुक में वो शो क्या करवाती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ रिजेक्ट हो जाएंगे। बात आई मार्कर की, मार्कर क्या होता है, एक हाईलाइट करने के लिए एक पॉइंट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, तो ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया हमारा, वो होता है टैब। अब बात आते हैं टैब होगा कहाँ, ये आपकी एक्सेल की कोई भी शीट है, टैब यहाँ बिल्कुल जो आपके ऊपर की बार होती है, टाइटल बार होती है जो आपको शो करवाती है किस नेम से आपने फाइल को सेव किया है, उसके नीचे एक खास ये आपके टैब होंगे, इनको हम बोलते हैं टैब, तो ये इसका आंसर रहेगा। इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे आपके सामने है कंट्रोल प्लस पेज अप विल टेक यू टू। कंट्रोल प्लस पेज अप की जो की होती है, जो शॉर्टकट कमांड होती है, वो किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है प्रीवियस शीट एंड बी इज नेक्स्ट शीट, सी आपके सामने है लास्ट सेल इन द
कॉलम एंड डी इज फर्स्ट सेल इन द कॉलम। अब आप देखिएगा नाम से पता चल रहा है, आपको पता होगा कंट्रोल तो खासकर जितने भी शॉर्टकट कमांड होते हैं इनमें यूज किया जाता है। बात आई पेज अप की, पेज अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ लेके जाना। जैसे आप यहाँ स्टैंड करते हो, ये आपके ऊपर है, ये लगा लो आपके नीचे, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे हमारा पास्ट है, हम पीछे जाएंगे तो वो चीज़ क्या होगी, प्रीवियस होगी। हम हैं यहाँ पे, हमारा ओरिजिन यहाँ पे, अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो वो चीज़ नेक्स्ट होगा। तो आप खुद ही बताइए, कंट्रोल प्लस पेज अप बोला है, अप यानी प्रीवियस, पी से पेज और पी से प्रीवियस। इतना आया समझ में? ये था फोर्थ का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे फिफ्थ आपके सामने है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। इसमें पूछा गया है कि कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी ईमेल आपके सामने है उसकी फैसिलिटीज में अलग अलग तरीके के होस्ट आपके सामने वो शो करवाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फर्स्ट है आपके सामने एसएमटीपी, बी है आपके सामने एफटीपी, सी है आपके सामने एसएनएमपी और डी है आपके सामने टैन नेट। ईमेल्स तो आप यूज़ करते ही होगे, सबके फ़ोन में जीमेल होती है, ईमेल के थ्रू ही आपका फ़ोन वर्क करता है, लाइक प्ले स्टोर पर भी डालनी होती है, हर जगह एंटर करनी होती है, तो ईमेल के बारे में तो आपको पता ही है। क्वेश्चन में पूछा गया ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करता है, यानी आपको प्रोवाइड करना यानी आपको देता है कि जो ईमेल की जितनी फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग तरह की होस्ट किस तरीके से वो कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का मैं आपको आंसर बताती हूँ, वो है आपका एसएमटीपी। ये तो आपको देखते याद ही करना पड़ेगा कि ईमेल्स की जो फैसिलिटी है अलग अलग होस्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो एसएमटीपी प्रोवाइड करते हैं। इससे आगे हम चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द अदर नेम ऑफ लैन कार्ड। बात यहाँ आई है लैन कार्ड की, पूछा गया है क्वेश्चन में आपके सामने ऐसा कौन सा अलग नाम है लैन कार्ड का, यानी कि लैन कार्ड को हम दूसरे अलग कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो बात आई यहाँ लैन की, तो जो भी टर्म आपके सामने आती है उसको मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि लैन आपके सामने आए तो मैं आपको लैन के बारे में बताती हूँ। लैन होता क्या है, एल से आपका लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जो नेटवर्क आपके लोकल एरिया में यूज किया जाता है वो आपका लैन कहलाता है। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं इतना ही बताऊंगी, इसी वीडियो में एंड में मैंने सारे नेटवर्किंग पॉइंट इंक्लूड किए तो वहां पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो क्वेश्चन के आप आंसर देखिएगा, एनआईसी, नेटवर्क कनेक्टर, मोडम या इंटरनेट कार्ड, यानी लैन का दूसरा नाम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सिक्स का आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एनआईसी। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। एन से आपका नेटवर्क, आई से इंटरफेस एंड सी से कंट्रोलर। आगे चलते हैं हम, सेवन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट प्रोग्राम इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग, यानी एमएस वर्ड के प्रोग्राम के अंदर स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज स्पेल प्रो, ऑप्शन नंबर बी इज आउटलुक एक्सप्रेस एंड ऑप्शन नंबर सी इज स्पेल चेक। अब बात आई यहाँ एमएस वर्ड की, कोई भी टर्म हो उसको डिटेल में हम समझेंगे। एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो आपकी विन वर्ड भी होती है। अगर आप एमएस वर्ड ओपन करना चाहते हो तो स्टार्ट बटन में जाके, रन कमांड में जाके अगर आप विन वर्ड भी डाल दोगे तो आपका एमएस वर्ड ही ओपन होगा। एमएस वर्ड क्या है, आपकी जो एमएस ऑफिस है उसकी ही एक एप्लीकेशन होती है। अब मैंने आपको एक्सेल के बारे में बताया था कि इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना डेटा, तो बात आई एमएस वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताती हूं। एमएस वर्ड के अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, आपकी एप्लीकेशन है, आपके जितने भी लेटर होते हैं, जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट के आपने प्रोस्पेक्ट देखे होंगे यानी पोस्टर देखे होंगे लगे हुए, वो सारे डिज़ाइन होते हैं इसके अंदर, जितनी भी आपकी बुक होती हैं, आपके नोट्स होते हैं, आपके असाइनमेंट होते हैं, सारे के सारे एमएस वर्ड के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। आपका सिलेबस होता है और सबसे मेन आपका एग्ज़ाम जो होता है वो एमएस वर्ड के ही अंदर तैयार किया जाता है। जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे आपका कंप्यूटर एग्ज़ाम हो, कॉलेज के एग्ज़ाम, स्कूल्स के एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम आपके एमएस वर्ड के अंदर ही क्रिएट किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका एमएस वर्ड का यूज, ठीक है। अब बात मैंने आपको बताई थी एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो इसी तरीके से आपका एमएस वर्ड का भी एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम मैंने आपको बताया हमेशा डॉट से स्टार्ट होता है, तो इसका आपका एक्सटेंशन नेम रहेगा डॉट डी ओ सी एक्स। एक्स हमेशा सबके पीछे लगेगा, डॉट सबके आगे लगेगा, सिर्फ आपको बीच के तीन या चार अक्षर याद करने हैं। तो
तो डीओसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो बात से पता चल रही है एक्सटेंशन नेम से कि जो डॉक्यूमेंट किसके अंदर बना सकते हैं हम डॉक्यूमेंट, हम एमएस वर्ड के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बात आई है स्पेलिंग चेक करने की, तो स्पेलिंग चेक आप कैसे कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्पेल चेक के थ्रू हम एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट कमांड भी होती है, वो होती है आपकी F7। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो F7 आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पेल चेक हो जाएगा, अदरवाइज आप ऑप्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हो। इसे आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर ऑप्शन। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल इम्पैक्ट प्रिंटर का नहीं है। अब इसने पूछ तो लिया कि इम्पैक्ट प्रिंटर का नहीं है, बात आई हमें यही नहीं पता कि इम्पैक्ट क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, तो हम इन चार ऑप्शन में से बताएंगे कैसे कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको अच्छे समझाती हूँ कि इम्पैक्ट क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा आपके सामने है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आई नो थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी खराब है बट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखिएगा आपके दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। अब बात आती है इम्पैक्ट के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लाइन प्रिंटर और दूसरा होता है करेक्टर प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रिंटर जो टाइप यानी प्रिंटआउट करते वक्त आवाज करता है, ये बात आप याद रखिएगा। और क्या क्या वो प्रिंटआउट करता है, एक तो आपकी एक एक लाइन को देखिएगा, आजकल क्या है आप चाहते हो ये वाला पेज प्रिंट हो जाए, सेकंड के हिसाब से आपका पेज प्रिंट होके आता है, ये तो आज का जमाना है। थोड़े साल पीछे जाके देखो, 10-20 साल आप पीछे जाके देखो कि लोग कैसे प्रिंट करते होंगे, पास्ट में आप जाओ वहां पे क्या था, पास्ट में एक एक लाइन प्रिंट होती थी, लाइन तो आप छोड़ो करेक्टर, इवन करेक्टर यानी करेक्टर हम किसको कहते हैं, जैसे ये आपका वर्ड है मैं यहाँ एप्पल लिख देती हूँ, तो करेक्टर यानी पहले ए को करेगा प्रिंट, फिर पी को करेगा, फिर पी को, फिर एल को, फिर ई को, एक एक करेक्टर प्रिंट होता था। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, लाइन भी करेक्टर भी सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। इम्पैक्ट के नाम से समझो जो दबाव डाले, जो जोर डाले, जोर किस में लगता था, लाइन प्रिंटर में और करेक्टर में लगता था। अब बात आती है लाइन प्रिंटर में क्या क्या आपके काउंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। लाइन में आपका ड्रम प्रिंटर भी आता है, चैन प्रिंटर भी आता है, और करेक्टर प्रिंटर में क्या आता है, आपका डेजी व्हील प्रिंटर आता है और डॉट मैट्रिक्स आता है। ठीक है, करेक्टर में क्या, डेजी व्हील, व्हील मीन्स क्या होता है, व्हील का आपको पता है टायर टाइप में होता है जो बिल्कुल घूमते घूमते राउंड राउंड में क्या करता है, एक करेक्टर प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स यानी जैसे डॉट के साथ प्रिंट करता है, यानी इसमें क्या होता है बिल्कुल बर्न कर देता है उस पेज को जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और तो मैंने लिख रखा है कि ड्रम में क्या होता है, रोटेट देन प्रिंट रोटेट होगा, चैन प्रिंटर में क्या होता है, चैन रोटेट करेगी प्रिंट देन हेल्प द व्हील, व्हील उसकी हेल्प करेगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि इम्पैक्ट में कौन से आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं। जैसे पूछ ही लिया गया आपसे, तो नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं, जो बिल्कुल भी दबाव नहीं डालते, ईजी तरीके से कम टाइम में हमारे प्रिंट कर देते हैं। लाइक आज के ज़माने में जो हम यूज़ करते हैं बहुत ही पॉपुलर है, वो है लेज़र प्रिंटर, जो क्या करता है पूरे के पूरे पेज को प्रिंट करता है। जो नॉर्मली आपने शॉप्स पे देखा होगा, स्कूल्स में, कॉलेज में, हर जगह देखा होगा, प्रिंटर के लिए आजकल लेजर का ही यूज़ किया जाता है। बट साथ ही साथ थर्मल प्रिंटर भी होता है जो नॉन इम्पैक्ट में ही काउंट होता है, एंड इंक जेट भी होता है जो आपके नॉन प्रिंटर में ही काउंट होता है। तो ये थे आपके प्रिंटर और नॉन सॉरी प्रिंटर के दो पार्ट थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा आप क्वेश्चन आपके सामने है, आपने पढ़ ही लिया होगा कि विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, अब तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही देख के बता दो कि इसका ये आंसर है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है, आपने जाना है कि इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। लेजर प्रिंटर इज एन ऑप्शन, बी इज डॉट मैट्रिक्स, सी इज ड्रम प्रिंटर एंड डी इज डेजी व्हील। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वो क्या होता है, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो ये इम्पैक्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि इसने नॉट कहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 इज प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। इसने कहा है कि रोम के अंदर जो आपका प्रोग्राम, जो डेटा, जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे टर्म आपके सामने आई है रोम। रोम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ और सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर ना तो हम कुछ राइट कर सकते हैं ना ही कुछ उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, तो वो आपकी मेमोरी होती है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, सबको कन्फ्यूजन रहती है, किसी भी से भी पूछ लो, इवन एक दो ऐसे होंगे
जो बता पाएंगे रैम और रोम में डिफरेंस। हाँ वो एक लाइन बता देंगे कि रैम जो होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। बट आज मैं आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, कभी भी नहीं भूलोगे, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, देखिएगा। रैम मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, शब्दों पे जरा गौर फरमाइएगा। रोम मैंने बताया रीड ओनली मेमोरी, तो पहले हम जरा रोम को संभाल लेते हैं। रीड ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से उसको सिर्फ उसके अंदर लिख नहीं सकते। बट रैम ने बोला रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं। अब मैं आपको कंप्यूटर का एग्जाम्पल ना देके मैं आपको आपके फोन का एग्जाम्पल देती हूँ, अच्छे से देखिएगा। रोम क्या होती है, जो आपके फोन के अंदर, आपके पास फोन है, फोन जब हम न्यू परचेज करते हैं तो हम उसके अबाउट में जाके देखते हैं कि इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है, इंटरनल स्टोरेज कितनी है और इसकी एक्सटर्नल स्टोरेज कितनी है। अब तो क्या होता है, फोन में ऑटोमेटिकली आ जाती है आपकी एक्सटर्नल, बट पहले क्या था, आपको मेमोरी कार्ड चिप डालनी पड़ती थी। तो मैं आपको पहले का एग्जाम्पल देती हूँ, जब आपको मेमोरी कार्ड डालना पड़ता था, कुछ समय पहले जाइएगा। तो इंटरनल होता है जो हमें ऑटोमेटिकली, जिसने मैन्युफैक्चर किया है उस फोन को तो उसने हमें प्रोवाइड की है, वो आपके इंटरनल हो जाएगी। एक्सटर्नल हो जाएगी जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर एंटर करते हो। तो इंटरनल तो हो जाएगी आपकी रोम, क्योंकि आप रोम को बढ़ा नहीं सकते हो, जितनी आपके फोन में है, अगर 4 GB है तो वो 4 GB ही रहेगी, आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो ना ही डिक्रीज कर सकते हो। बट जो रैम होती है, आपका मेमोरी कार्ड है, आपने डाला 16 GB का, वो भी आपका फुल हो गया, तो क्या करोगे आप, उसको हटा के 32 GB का डाल दोगे। तो रैम को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिक्रीज क्यों कर, क्योंकि इसके अंदर हम रीड एंड राइट कर सकते हैं। बट रोम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, 4 है तो 4 ही रहेगा, कितनी बार पढ़ लो, आज पढ़ लो, 10 साल बाद पढ़ लो, 4 ही रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। तो इसलिए कहते हैं इसको रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें फर्क होता है। इसे आगे देखिएगा, इसके ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट इज हार्डवेयर, बी इज फर्मवेयर एंड सी इज सॉफ्टवेयर एंड डी इज ऑल ऑफ द अबो। इसने कहा है कि प्रोग्राम को जो स्टोर करता है रोम के अंदर वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपको पता है कि हार्डवेयर वो हिस्सा होता है कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लाइक बॉडी लगा लो आप कंप्यूटर की, सीपीयू लगा लो, सीपीयू का बाहर का हिस्सा बॉक्स हो गया, मॉनिटर का बाहर का हिस्सा बॉक्स हो गया, उसको हम टच कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर की बात आती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के मॉनिटर के अंदर होता है, लाइक एमएस ऑफिस है, उसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट, क्योंकि वो होता ही इतना सॉफ्ट है हम उसको टच कर ही नहीं सकते। हार्ड वो होता ही इतना हार्ड है कि हम उसको टच कर सकते हैं। आया समझ में, इस तरीके से आप समझ सकते हो। बचा गया आपका फर्मवेयर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 9 का आपका बी करेक्ट रहेगा, वो है आपका फर्मवेयर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाँ इसके बाद थोड़ा करेंगे हम थ्योरी, लेकिन वैसे एमसीक्यू आपका ये लास्ट है। 10 इज विच कमांड इज यूज टू क्लोज डेटा शीट व्यू ऑफ टेबल। अगर ऐसी कौन सी कमांड है जो डेटा शीट, अगर आपको डेटा शीट की जो टेबल है वो आपको बंद करनी है, क्लोज करनी है, तो कौन सी आपको यूज करेंगे। अरे ये तो बहुत आसान है, सब में कंट्रोल है। हाँ इसमें नहीं है, इसको चलो हम हटा देते हैं, सब में कंट्रोल है, बस पीछे पीछे के डिजिट चेंज है, आपको बताना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ जितनी भी आपकी शॉर्टकट कमांड होती हैं, ए से लेके जेड तक, और इनके साथ साथ जो एक्स्ट्रा भी शॉर्टकट कमांड होती है, उन सब के लिए मैंने अलग से डिटेल्स में वीडियो बना रखा है। क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है शॉर्टकट कमांड का, प्लीज़ आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैं उसको मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ आप उसको चेक जरूर कर लेना, अगर आप नहीं चाहते कि मेरा एक भी नंबर कटे। क्योंकि क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक एक नंबर की मारामारी रहती है, कि एक नंबर अगर क्या होता है, एग्जाम एक नंबर से रह जाता है, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हमारा एक नंबर रहे। तो इस वीडियो का आप जरूर देख लेना जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाली हूँ शॉर्टकट कमांड की, उसमें आपको ये देखने की, आपको क्वेश्चन देखते ही आप सीधा आंसर टिक करोगे, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतने अच्छे से मैंने उसको बना रखा है। तो देखिएगा, पहला आपके सामने कंट्रोल प्लस ओ, बी इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू एंड सी इज कंट्रोल प्लस सी, इसको हम कट कर देते हैं। इन तीनों में से आपको बताना है, ओ से क्या होता है, फाइल ओपन होती है, W से क्या होता है, फाइल क्लोज होती है, C से क्या होता है, फाइल की आपकी कॉपी होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। अब ये मत पूछना B क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके सामने, उस पर क्लिक करें और वीडियो देखें और पता लगाएं कि कंट्रोल W ही क्यों हुआ आपकी फाइल क्लोज करने का। ये थे आपके सारे MCQ, अब हम जरा थ्योरी भी पढ़ लेते हैं नेटवर्किंग के, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा, थ्योरी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, थ्योरी आपके सामने है, खुद पढ़ लेना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाऊंगी।
सीधा मैं आपको समझाती हूँ कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्किंग क्या होता है, जो एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करता है वो आपका नेटवर्किंग कहलाता है। इसके बाद आगे बात आते हैं, पूछ लिया जाता है कि नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 आपके नेटवर्क के टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लैन वैन मैन और पैन होता है आपका। सबसे छोटा आपका होता है पैन होता है। आई नो थोड़ा फास्ट हो रहा है बट वीडियो काफी लंबी हो रही है इस वजह से, अदरवाइज आप इसको अच्छे समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखिएगा जो पैन होता है, पैन की फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं आपको इसके नाम से ही बता दूंगी कि ये होता क्या है। पैन का मतलब होता है पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल आपको पता है पर्सनल चीजें क्या होता है, जो सिर्फ हम तक ही सीमित रहे वो हमारा पर्सनल होता है। लाइक आपका घर है, आपके घर की रेंज होती है, क्राइटेरिया होता है कि आपके घर कितने जैसे गज में होता है इस तरीके से। तो जब आप वाईफाई लगवाना पसंद करोगे, वाईफाई लगवाओगे आपको जरूरत है, तो वो क्राइटेरिया रेंज उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा कितने रेंज तक आपको वाईफाई चाहिए, या फिर कितने रेंज तक लगा लो आपको हॉटस्पॉट चाहिए, तो वो हमारा पर्सनल एरिया होता है। तो ये आपका पैन में इंक्लूड होता है। लाइक बीटी, बीटी यानी ब्लूटूथ से हम जैसे कीबोर्ड माउस ब्लूटूथ इन सब का उपयोग करके हम जो उसके अंदर कनेक्ट करते हैं वो सारा आपका पैन कहलाता है, क्योंकि वो एक पर्सनल एरिया तक ही लिमिट रखता है। इसे बात आगे आती है लैन की। लैन क्या होता है आपका, ये मैंने बताया था ना आपको, क्वेश्चन में पूछा था कि मैं आगे आपको बताऊंगी, तो अब आप सुनिएगा ध्यान से। लैन क्या होता है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल, लोकल कहते हैं ना, ये तो लोकल है। लोकल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आपकी जैसे स्कूल की लैब होगी, कंप्यूटर लैब आपने देखी होगी, कंप्यूटर के लैब जैसे लैब आप कितनी है, यहाँ यहाँ तक तो वाईफाई चलेगा, लेकिन अगर एक कदम भी अगर आप यहाँ खड़े होते हो ना लैब के बाहर, तो वाईफाई आपका कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने रेंज ही इतनी डाल रखी है। वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। यूनिवर्सिटी कैंपस लगा लो आप, अपनी कॉलेज कैंपस लगा लो, जैसे कोई इसमें दे रखे हैं एग्जाम्पल, कॉलेज इन यूनिवर्सिटी लगा लो आप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, बिजनेस का फैक्ट्री लगा लो, लोकल लोकल एरिया में जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये देख लेना आप, इसको पढ़ लेना, जैसे होम बिल्डिंग स्कूल नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। इससे आगे बात आती है इसके अंदर, ये तो आप रहने दो, समझने की जरूरत नहीं है। इससे आगे हम चलते हैं, मैन क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है, लैन से बड़ा होता है ये। मैन का मतलब होता है, देखिएगा लैन क्या था, लोकल, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह। जब एक जगह से दूसरी जगह करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, मैन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कैसे, जो मैन है, देखिएगा मैं आपको बिल्कुल छोटे से एग्जांपल समझाती हूँ। मैन क्या है, मैन चलो इसको आप आदमी लगा लो, ये जो आदमी है क्या है, जैसे आप हो, एक सिटी में रहते हो ना आप, ऐसे तो नहीं दो सिटी में आप एक साथ रहते हो, नहीं रहते ना, बस यही तो था इसका, आया ना समझ में, कैसे वो देखेगा आप। मैन मैंने आपको बताया जो आदमी है वो एक सिटी में रहता है, तो बस आदमी भी जब एक सिटी में रहेगा तो जो मैन है, जो नेटवर्क है, वो भी आपको एक सिटी में प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैन आपका वो नेटवर्क होता है जो आपके एक सिटी तक रहता है, यानी सिटी के अंदर जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, पूरी सिटी में सिर्फ एक सिटी में ही वो काम करेगा, तो आपका मैन होता है। यानी पूरी पूरी एक सिटी तक जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए वो आपका मैन होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आपके सामने है। आगे मैं आपको लास्ट बताती हूँ वैन क्या होता है, WAN। वैन क्या होता है, वाइड वैन, चलो आप वो वाली वैन लगा लो, VAN वाली जो वैन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, क्योंकि वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो घूम सकती है। तो इसी तरीके से W से क्या हो जाएगा आपका, वाइड हो जाएगा। जब कोई चीज़ वाइड होगी तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ रहते हो और आपकी जो फ्रेंड है, रिलेटिव, वो अमेरिका रहते हैं, तो किस तरीके से आप वीडियो कॉल कर लेते हो, उसका रीज़न है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि जो W से क्या होता है आपका, वाइड होता है, इतना ज़्यादा वाइड है ये पूरे ग्लोबल को, यानी कि पूरे पूरे हमारे जो आपका ग्लोब होता है ना, ग्लोब, उसको पूरी पृथ्वी को एक इकट्ठा किया हुआ है नेटवर्किंग के थ्रू। आप सोचते होंगे कि जो नेटवर्क, वैसे तो टावर्स लगा दिए जाते हैं, बट जो पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर फाइबर की जो केबल्स होते हैं ना, वो बिछाए जाते हैं, तब जाके नेटवर्क कनेक्ट होता है, तो वो आपका वाइड होता है। जैसे WWW बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, वो आपका वैन का ही एक पार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कंप्यूटिंग नेटवर्क क्या होता है। आई होप आपको वीडियो भी जरूर अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट में प्लीज़ आपका कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की, प्लीज़ मुझसे आप जरूर पूछिएगा, ताकि कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिले, क्या पता मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिले। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और इनकमिंग आप किस किस टॉपिक में वीडियोज चाहते हो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।